नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भेल 359 का स्टॉक हो चुका है। 3.5% के आसपास की यहां पर ग्रोथ देखने को मिली एंड 32 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में बाजार की रिकवरी के साथ ही यहां पर अच्छी खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं भेल को लेकर के भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, कुछ सवाल आए हैं हमारे सामने, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक व्यूअर ने पूछा है कि क्या यहाँ पर डिविडेंड दोबारा अनाउंस हो रहा है, 60% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पर दोबारा अनाउंस हो रहा है या नहीं। एंड दूसरा ये कि क्या टारगेट लेकर के चले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 67 रुपीज तक जाता है, अराउंड दिस प्राइस तक 68-67 तक जाता है और वहां से फिर ये बैक डाउन कर देता है। तो क्या यहाँ पर 67 का टारगेट लेकर के चलना है शॉर्ट टर्म का, या फिर इसके ऊपर इस समय निकल सकता है क्योंकि अच्छी ग्रोथ में है, रिकवरी पे है और बाजार भी सपोर्ट कर रहा है इस समय पर, तो उसकी भी चर्चा होगी यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों से सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं देखिए चार्ट की। तो बाजार में रिकवरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड निफ्टी 50 की अगर आप बात करें तो 2 हफ्ते काफी गजब के रहे हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर रैली आई है। 9-day मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुका है आपका बाजार, ठीक है। अब यहां से क्या बुलिशनेस बनेगी, बढ़ेगी या नहीं, वो आगे की बात है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो बाजार में जो सपोर्ट रखा है हमारा, 16400 तक की गिरावट हुई थी, यहां तक की डबल टेस्टिंग हो चुकी है। 16200 आप ले सकते हो यहां पे और 17600 आपका अपर साइड में, ठीक है। ये आपके मार्क है 17600, अगर मार्केट आपका क्रॉस करता है यहां से एक अच्छा अग्रेसिव बाय करने का मौका मिलेगा आपको, बट उससे पहले नहीं, एटलीस्ट आपको 17600 का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये जो वीक आने वाला है हमारा, पहला हफ्ता 2022 का नया साल है और बाय द वे नया साल मुबारक हो आप सभी को, बट नए साल में आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स को चूज करना पड़ेगा क्योंकि नए साल के साथ ही ओमिक्रॉन का डर भी है, FII का डर भी है। एंड यहाँ पे अगर आप बाजार को देखेंगे तो थर्ड वीक काफी क्रूशियल है क्योंकि अगर आप देखो 2 हफ्ते की रैली के बाद तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता आपका गिरावट में रहता है, 2 हफ्ते की रैली और तीसरा हफ्ता गिरावट में। तो ये चीज दोबारा ना हो इसकी वजह से, इसीलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि थर्ड वीक जाता कैसा है, अपर साइड बनेगा, लोअर एंड बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा या नीचे की साइड आएगा, गिरावट होगी या तेजी आएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। एंड थर्ड वीक ही आपको डिसाइड करवाएगा कि बाजार में आपको खरीदारी की ओर देखना है या अभी भी आपको विश लिस्ट में रखना है, वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को बनाए रखना है, क्या करना है क्या नहीं, वो आपका थर्ड वीक डिटरमाइन करने वाला। तो अभी के लिए 17600 को मार करके चलो, लोअर एंड पे आपको 16200 16400 तक के लेवल्स आ सकते हैं अगर बाजार में गिरावट होती है तो। हालांकि बाजार स्ट्रांग है इस समय, RSI आपका बुलिशनेस की तरफ है और अगर आप MACD की बात करें तो MACD भी आपका काफी बेहतर है। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कम से कम आपको बाजार में एक अच्छा न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर भेल की जहां तक बात रही, देखो दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली बात यह है कि भेल को नए ऑर्डर्स मिले हैं और उसकी वजह से यहां पर एक अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है। लोअर एंड पे आपको 55-56 रुपए के आसपास का पहला सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट इज अराउंड 51 रुपीज के आसपास का सेकंड सपोर्ट आपको मिल रहा है। पहला टारगेट जहां तक बात रही तो पहला टारगेट इज अराउंड 67 का आपको टारगेट लेकर के चलना है। यहाँ पे स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप रुकते हैं लंबे समय के लिए तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो 67 रुपए का 67 रुपीज का आपको यहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक अच्छा मौका है 67 रुपीज के आसपास का टारगेट लेकर के आपको चलने का। अच्छा, अब सवाल ये है कि हर बार ही 67 से वापस आता है, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर भी, अगर आप देखो 67 एक बड़ा हर्डल है और स्टॉक अगर यहाँ पर जाता है तो नीचे गिरता है फिर, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 67 के ऊपर एक हफ्ता रुका आपका, 1-2 हफ्ते, और वहां से दोबारा नीचे गिर गया, तो स्टॉक आपका उसके ऊपर प्रिवेल नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर निकल नहीं पा रहा है। एंड टू बी परफेक्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक 75 का टारगेट भी आप रख सकते हैं, ठीक है, कि 75 रुपए के आसपास का भी स्टॉक टारगेट जो है वो आपका हो सकता है। बट एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप अगर 58-59 पे खरीदारी कर रहे हो, 67 पे आपको सेल आउट करना है, तो एक चीज ये देखना पड़ेगा कि 50% ऑफ द क्वांटिटी आप 67 पे सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर तो ब्रेकआउट मिलता है, खरीदार आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 67 से नीचे आता है। अगर आप डेली चार्ट पैटर्न की बात करो तो आपको ये चीज बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। ये वीकली चार्ट पैटर्न है, 3 से 4 महीने के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ टाइम फ्रेम। तो अगर आप 3 से 4 महीने निवेश करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा हो सकता है, बट 67 का टारगेट ही रखना है आपको। एक बार 67 पहुंचता है, 50% क्वांटिटी आप ऑफलोड कर दो, सेकंड टाइम में अगर 67 के ऊपर निकल जाता है और 75-76 तक पहुंचता है तो आप अपनी पूरी क्वांटिटी को ऑफलोड कर सकते हो या फिर कंट्रोल करके होल्ड करके रख सकते हो, पोर्टफोलियो में होल्ड करो, पोजिशन को होल्ड करो और लंबा राइड करो फिर, ठीक है। बट 67 एक क्रूशियल मोमेंटम है, क्रूशियल जोन है आपका, तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी
ऑफलोड करना है एंड देन आप बाकी की पोजीशंस को होल्ड करके लंबा राइड करके चल सकते हो, अच्छा प्रॉफिट आपका उस टाइम पे बन जाएगा। तो ओवरऑल ये कहानी है पूरी। दूसरा आरएसआई की बात करें, 47 का आरएसआई है एंड मैग्डी की जहां तक बात रही आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए चार्ट अच्छा है, खरीदारी बिल्कुल करनी है, 67 का पहला टारगेट, 76 का दूसरा टारगेट लेकर के चलना है। और जहां तक डिलीवरी की बात करें भैया, देखो डिलीवरी है 22%, उससे 22%, 17%, उससे पहले 19%, उससे पहले 19%, उससे पहले 21%। डिलीवरी में थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है, वॉल्यूम में थोड़ा बढ़ोतरी है, 20 मिलियन से आपका 32 मिलियन के आसपास आ गए हैं हम। तो डेली वॉल्यूम में थोड़ा सा तेजी देखने को मिल रही है, साथ में परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखें थोड़ी सी तेजी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी आपको बिल्कुल करके चलना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, जोन अच्छा क्रिएट किया है इसने, और एट दिस मोमेंटम अगर आप बात करें, दिस टाइम बात करें, तो यहाँ पे प्रेजेंटली मार्केट भी सपोर्टिव है, काफी रैली में है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिलेगा, बिल्कुल खरीदारी करके चलना है। और जो दूसरा सवाल है आपका कि क्या डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने, तो देखो यार डिविडेंड अनाउंस किया था सितंबर के आसपास में, अभी यहाँ पर कोई डिविडेंड नहीं है, 60% के आसपास का डिविडेंड अनाउंसमेंट था यहाँ पे 11 सितंबर को। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फरवरी के करीब में ये लोग डिविडेंड अनाउंसमेंट करते हैं दोबारा से, जनवरी चल रहा है, फरवरी में आपको दोबारा डिविडेंड मिलेगा, तो उसके लिए वेट करो थोड़ा सा, एक महीना आपको राइड करना पड़ेगा। एंड अगर आप देखो तो हर एवरी फरवरी में ये लोग डिविडेंड अनाउंस करते हैं, 15 फरवरी 2018, 15 फरवरी 2019 को भी हुआ था, 2020 में नहीं मिला, प्रॉब्लम थी कंपनी में, कंपनी को बेचना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस वजह से 2020 में नहीं किया। बोनस भी कंपनी देती है, तो इस साल आपका बोनस अनाउंसमेंट भी होने वाला है, होपफुली मार्च अप्रैल के आसपास तक बोनस भी आपको भेल में दिखाई देगा, अनाउंसमेंट यहाँ पर बोनस की भी हो सकती है, तो उसके लिए भी वेट करो। बोनस और डिविडेंड दोनों ही आपको फरवरी अप्रैल के बीच में, आपको फरवरी में आपको अराउंड डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा और बोनस आपको अराउंड अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना है, दोनों ही चीजें काफी बेहतर हैं और एक इन्वेस्टर को इससे अच्छा और क्या ही चाहिए, है ना। तो बिल्कुल मेरी राय यही है कि अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है तो भेल में अच्छी खासा मौका है आपके सामने, खरीदारी करके चलो, कुछ चीजों का ध्यान रखना। अब बाजार एक है उनमें से, जैसा मैंने बोला कि आपको दोनों ही लेवल से फोकस करना है, साथ में अगर आप बात करो तो ओमिक्रोन का खतरा बढ़ा है रिसेंटली अगर आप देखोगे तो, और केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, लॉकडाउन वगैरह लगेगा तो वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में, बहुत बहुत शॉर्ट टर्म होने वाली है। सेकंड लॉकडाउन अगर आपको याद हो तो सेकंड लॉकडाउन के आसपास भी ऐसी वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली थी, बट एक आध हफ्ते दो हफ्ते की वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, वही चीज यहाँ पर होने वाली है। और एफआईआई यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, एफआईआई निकल खरीदारी की है, बहुत बढ़िया खरीदारी है, और मार्केट यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो आपको भेल में ना सिर्फ अच्छा मुनाफा होगा बल्कि आपको डिविडेंड और बोनस दोनों इस साल मिलने वाले हैं। दो डिविडेंड तो आपको दो तीन बार मिलता है, अनाउंसमेंट होती है, हर साल ही होती है, बट बोनस भी इस साल उम्मीद यही कर रहे हैं कि बोनस भी आपको मिलेगा। तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है, बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए भी नंबर जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो करके पूछना हो तो थैंक यू।